बात आपसे ही कर लेते हैं, बताइए अभी आपको कहां पर मौके देख रहे हैं, क्या है आपके पसंद के शेयर? अगर आप काउंटर देखें, जैसे कि अगर देखा कि बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छा रिकवर कर रहा है और काफी अच्छा स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, तो मुझे इंडसइंड बैंक ही काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर आप देखें तो स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे था, वहां से ही रिकवर कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। इंडसइंड में स्टॉप लॉस जो होगा दैट विल बी अराउंड 1 सेकेंड। आप प्लीज बताइए कौन सा शेयर है? में ऑलरेडी मूव आ चुका है। अगर आप मोटा को देखें तो एक अच्छी अपको आने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा था, बट अभी जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही काउंटर एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे एक लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2634 और जो टारगेट इसके रहेंगे 2794 तक के रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज मैकडॉवल्स। मैकडॉवल्स में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 89 EMA के आसपास एक सपोर्ट था, वहां से ही आज रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले समय भी जब भी करेक्ट हुआ था आई थिंक 860 के आसपास ही काउंटर सपोर्ट ले रहा था, तो आई वुड से करके कि यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है दैट शुड बी अराउंड 864 और जो टारगेट रहेगा वो 922 तक के रहेंगे। ऑलराइट, तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए 2794 के लेवल के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अच्छा लग रहा है, इंडसइंड बैंक भी बैंकिंग स्पेस से अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि स्नेहा भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। जयेश आप बताइए, आपकी तरफ से दो ट्रेडिंग पिक्स कौन सी होंगी आज के लिए? दोनों ट्रेडिंग पिक्स लॉन्ग साइड पर ही रहेगी, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दोनों पिक्स को हमने हमारे IIFL के निवेशकों को सुबह से ही बाय करने का नोटिफिकेशन दिया था। तो पहला स्टॉक रहेगा UTI AMC। अगर इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक में अच्छा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेंड क्लोजिंग आई है। यहाँ से हमें लगता है कि 6-7% का अपसाइड इजिली पॉसिबल है, तो 930 के टारगेट से आप खरीदारी कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 845 का। और सेकेंड स्टॉक जो हमारा बुलिश व्यू है वो है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो को अगर आप देखें तो इस स्टॉक पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आज बन रही है। इमीडिएट अगर आप इसको देखें तो ओपन पोजीशन सबसे हाईएस्ट 2000 की पुट्स पर थी, उस पे हमने देखा है कि आज काफी शॉर्ट सेलिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है पुट्स की, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि जो बेस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 2140 के आसपास की, वहां तक के आप टारगेट इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 2064 का। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हीरो मोटो स्नेहा की तरफ से था, और LNT और UTI AMC ये दो शेयर जयेश की तरफ से। तो चार ट्रेडिंग के लिए दमदार शेयर आपको वो मिल गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर